इसलिए उन दोनों की दोस्ती वो शोले वाली ही है। और जिस प्रकार से शोले फिल्म के किरदारों की अगर बात करूं, जय वीरू ने मिलकर गब्बर सिंह गैंग से गांव वालों को छुटकारा दिलाया था, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की ये जोड़ी भाजपा के गब्बर सिंह गैंग से मध्य प्रदेश को छुटकारा दिलवाने वाले। कांग्रेस में 2018 में पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या गारंटी है कि अब जब अगर कांग्रेस पार्टी वापस आती है, इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, सबको पावर में हिस्सा दिया जाएगा? मैं थोड़ा आपके सवाल को लेकर आश्चर्यचकित हूं। चोरी मेरे घर में हुई, चोरों ने रंगे हाथ सरेआम चोरी की, और आप घर के मालिक से पूछ रहे हो, तुम दोषी हो कि चोर तुम्हारे यहाँ चोरी करने आए थे। सर थोड़ा सा दोषी होते हैं सर, सुरक्षा के इंतजाम तो आप ही को करने पड़ेंगे सर। और जो चोर हैं, जो प्रजातंत्र का चीरहरण कर दुर्योधन की तरह सत्ता पर बैठे हैं, वो ठहाके लगा रहे हैं और कोई उनसे सवाल पूछने की हिमाकत नहीं करता। मध्य प्रदेश की जनता भी चेंज चाहती है, लेकिन चेंज तो 2018 में भी चाहा था, कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए भी थे। अभी प्रियंका गांधी जी कैंपेन कर रही हैं, राहुल जी भी कैंपेन कर रहे हैं, सवाल उठ रहा है करप्शन का, 250 से ज्यादा स्कैम्स गिनाए जा रहे हैं, पटवारी नर्सिंग अभी बहुत सारे हुए हैं सबको मालूम है, लेकिन ऐसी ही लिस्ट लेकर आप 2018 में भी आए थे। 2018 के बाद 15 महीने आपकी सरकार रही, किसी एक स्कैम पे आपने कार्रवाई की हो तो बताइए। तो थोड़ी सी बात इंडिया अलायंस की भी हो जाए, पिछले दिनों अखिलेश यादव और आपके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं मिस्टर कमलनाथ, उनके बीच कुछ बातचीत हो गई, अखिलेश हो गया, उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही कमल है। कल उनका एक और बयान आया है कि ही सरप्राइज कि कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कास्ट सेंसस की, कहते सबके आधार कार्ड अवेलेबल हैं, एक मिनट में पता चल जाएगा कितने ओबीसी हैं, क्यों इस तरह की बात हो रही है? क्या इस तरह की एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ना करने की वजह से आपका जो नेशनल लेवल पे अलायंस डेवलप हो रहा था उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, कभी कभी स्थानीय चुनाव में आपकी उम्मीदवारों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पाती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सहमति नहीं बन पाई क्योंकि वो जितनी सीट चाहते थे वो कांग्रेस नहीं अकोमोडेट कर पाई। केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे सरेआम एक वीडियो जिसकी तस्दीक अभी होनी है, उसकी वेरेसिटी अभी वेरीफाई होनी है, पर वो कह रहे हैं 100 करोड़ यहाँ दे दो, 5 करोड़ यहाँ दे दो, 500 करोड़ उस माइनिंग को दे दो, 10,000 करोड़ की बात आ गई। और आज जो है वो तो और गंभीर इसलिए है के पैसा विदेश से लॉन्डर किया जा रहा है। मोदी जी चुप क्यों हैं? इसीलिए मध्य प्रदेश के लोगों ने निर्णय कर लिया है, राहुल जी ने हमें टारगेट दिया, खड़गे जी ने टारगेट दिया 150 प्लस का, और लोगों के चेहरे, लोगों का उत्साह, लोगों की उमंग, लोगों का संकल्प ये दर्शाता है कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट लेकर विजयी होने वाली। सर आपको मैं बधाई देता हूँ अगर 150 से ज्यादा सीटें आई। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मिस्टर रणदीप सुरजेवाला। मिस्टर सुरजेवाला किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप कर्नाटक में चुनावों से पहले और चुनावों के बाद दो मजबूत धड़ों के बीच तालमेल बिठाने का काम बड़ी सहजता से कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी आप कुछ ऐसे ही रोल में देखे जा रहे हैं। सर मेरा पहला सवाल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, दिवाली की भी शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप सब बहुत समृद्ध और आपका परिवार सदैव सुखी रहे। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है क्योंकि आप तालमेल के मास्टर माने जा रहे हैं, तो कुछ ही दिनों पहले आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को जय और वीरू की संज्ञा दी थी, तो सवाल मेरा ये है कि कितना मुश्किल या कितना आसान होता है ये तालमेल बिठाना, खासकर तब जब आपके जय और वीरू कई दशकों से राजनीति में हो, 7 या 8 दशक जिन्होंने देख लिए हो। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की ये जोड़ी 45-44 साल पुरानी है जी। इसे मेरे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता की मदद की जरूरत नहीं, उन दोनों में अता बेइंतहा मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे के साथ राजनीति में एक एक सीढ़ी चढ़कर उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति इकट्ठे की है। मुझे लगता है कि उनका जो प्रेम और मोहब्बत है
वो ना मैं ना कोई और तोड़ सकता। जब जहां बहुत बेइंतहा मोहब्बत होती है तो वहां कभी कभी एक दूसरे से गिला शिकवा भी सर होता। जो ये गिले शिकवे कभी कभी आपस में हो जाते हैं, इसका पब्लिक में आने से, खासकर जैसे अभी कमलनाथ जी का जिसके बाद ये बात उठी, उनका बयान आया कि आप किसी सीट को लेकर के उनके कपड़े फाड़ दीजिए, फिर वो सॉर्ट ऑफ जो स्टेज पे बैंटर हुआ, कितना नुकसान पार्टी को इस तरह की चीजें पब्लिक फोरम में आने से होता है? मुझे नहीं लगता। देखिए, एक शोले का एक गाना भी था, आपने जय वीरू की जोड़ी कहा तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उनका एक गाना था जहाँ अमिताभ बच्चन और हमारे दूसरे जो साथी हैं धर्मेंद्र जी, वो दोनों एक गाना गाते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए उन दोनों की दोस्ती वो शोले वाली ही है। और जिस प्रकार से शोले फिल्म के किरदारों की अगर बात करूं, जय वीरू ने मिलकर गब्बर सिंह गैंग से गांव वालों को छुटकारा दिलाया था, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की ये जोड़ी भाजपा के गब्बर सिंह गैंग से मध्य प्रदेश को छुटकारा दिलवाने वाले। सर कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लें, आप गब्बर से छुटकारा दिलवाइए, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी की सत्ता से बाहर होने पे। 2018 में आप चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर चले गए। आप उनको जो मर्जी बोले, जो भी कारण रहे, लेकिन एक बात तो साफ है, एक बात तो है कि जो 2018 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए थे, बहुत सारे लोग दिग्विजय सिंह के भी लोग थे, दिग्विजय सिंह की पूरी चल रही थी, उन्हीं के हिसाब से चीजें हो रही थी, चाहे जो वरिष्ठ लोग थे उनको 7-7 8-8 बार जो जीते थे उनको कैबिनेट में नहीं रखा गया था, जूनियर्स को कैबिनेट में रखा गया था, और चाहे फिर वो राज्यसभा का जो फर्स्ट प्रेफरेंस सीट हो उसी की बात की रहा हूं। तो सवाल यह है कि कांग्रेसमैन 2018 में पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या गारंटी है कि अब जब अगर कांग्रेस पार्टी वापस आती है इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, सबको पावर में हिस्सा दिया जाएगा? मैं थोड़ा आपके सवाल को लेकर आश्चर्यचकित हूं। चोरी मेरे घर में हुई, चोरों ने रंगे हाथ सरेआम चोरी की, और आप घर के मालिक से पूछ रहे हो तुम दोषी हो कि चोर तुम्हारे यहां चोरी करने आए थे? सर, थोड़ा सा दोषी होते हैं सर, सुरक्षा के इंतजाम तो आप ही को करने पड़ेंगे सर। और जो चोर हैं, जो प्रजातंत्र का चीरहरण कर दुर्योधन की तरह सत्ता पर बैठे हैं, वो ठहाके लगा रहे हैं और कोई उनसे सवाल पूछने की हिमाकत नहीं करता। यहां एक्स या वाई नहीं गए थे, यहां मध्य प्रदेश ने जनमत दिया था कांग्रेस को, और उस जनमत की सरेआम उस पर चोरी नहीं डाका डाला गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कैसे 35-35 40-40 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के, क्या मैं पूछ सकता हूं आपके चैनल पर वो 40-50 करोड़ 35 करोड़ कहां से आए? क्या वो पैसा आपका मध्य प्रदेश की जनता का नहीं था? क्या वो चोरी से कमाया हुआ पैसा नहीं था? क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा नहीं था? और क्या ऐसे लोग जो चोरी से कमाए हुए पैसे से बिककर आज सत्ता की द्योड़ी पर बैठे हैं, क्या वो आपकी सेवा कर सकते हैं? इसीलिए मध्य प्रदेश के लोगों ने निर्णय कर लिया है। राहुल जी ने हमें टारगेट दिया, खड़गे जी ने टारगेट दिया 150 प्लस का, और लोगों के चेहरे, लोगों का उत्साह, लोगों की उमंग, लोगों का संकल्प ये दर्शाता है कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट लेकर विजयी होने वाली। सर आपको मैं बधाई देता हूं, अगर 150 से ज्यादा सीटें आई तो बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भी चेंज चाहती है, लेकिन चेंज तो 2018 में भी चाहा था, कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए भी थे। अभी प्रियंका गांधी जी कैंपेन कर रही है, राहुल जी भी कैंपेन कर रहे हैं जी। सवाल उठ रहा है करप्शन का, 250 से ज्यादा स्कैम्स गिनाए जा रहे हैं, पटवारी, नर्सिंग, अभी बहुत सारे हुए हैं सबको मालूम है, लेकिन ऐसी ही लिस्ट लेकर आप 2018 में भी आए थे। 2018 के बाद 15 महीने आपकी सरकार रही, किसी एक स्कैम पे आपने कार्रवाई की हो तो बताइए? और अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब वो मॉडल बदल गया है, 18 के नहीं है अब 23 के मॉडल है। मेरा आपसे फिर वही सवाल है कि मॉडल भले ही बदल गए हो, आप बहुत सारी गारंटीज दे रहे हैं, क्या एक गारंटी ये भी देंगे कि समय सीमा के तहत, समय सीमा के अंदर जितने भी घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, और मैं आपके दर्शकों को ये कहूंगा, सरकार 15 महीने नहीं 11 महीने की थी, क्योंकि बाकी तो कोड ऑफ कंडक्ट और चुनाव में चला गया। 11 महीने में हमने जैसे ही लोक भलाई के काम शुरू किए, और अगला काम हम करते जैसे ही चोरों को लगा के अब कमीशन बनेगा,
अब उनकी रंगे हाथों चोरी पकड़ी जाएगी, अब शिवराज जी को शायद जेल जाना पड़े। तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे लोगों से मिलकर वो सरकार ही चोरी कर ली। पर मैं आज आपके चैनल पर यह कहता हूं, कैबिनेट का पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम ये निर्णय लेंगे कि इन सारे दोषियों पर कार्रवाई होगी, पक्षपात के आधार पर नहीं, न्याय के आधार पर। अब न्याय करेंगे आदिवासी जिन पर पेशाब किया जा रहा है और जिनके पटे छिने जाते हैं, न्याय करेंगे युवा जिनकी नौकरियां 15-15 लाख में बिकती हैं, न्याय करेंगी महिलाएं जिन पर हर रोज 18 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, न्याय करेंगे दलित जिस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध हैं। तो इस प्रदेश के लोग न्याय करेंगे और हम उस न्याय के फैसिलिटेटर बनेंगे। सर न्याय होगा लेकिन उस न्याय में कोई बाधा, ये आपके जो बागी लोग हैं ये तो नहीं बनने जा रहे हैं, आपको कुछ इनसे लग रहा है डर है, आपकी प्रोस्पेक्ट्स को ये डैमेज कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के उन सारे 4,700 साथियों को कहूंगा जिन्होंने टिकट मांगी थी, आप हमारे लिए परिवार हैं, वैल्यूएबल हैं। 1% को छोड़ दूं तो 99% लोग आज कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हमारा परिवार इकट्ठा है और वो परिवार सत्ता लोलुपता के आधार पर नहीं, विचारधारा, दृष्टि, सोच, रास्ता उसके आधार पर इकट्ठा है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की तरक्की के यज्ञ में सबको शामिल करना चाहते हैं। सर थोड़ी सी बात इंडिया अलायंस की भी हो जाए, पिछले दिनों अखिलेश यादव और आपके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं मिस्टर कमलनाथ, उनके बीच कुछ बातचीत हो गई, अखिलेश वकिलेश हो गया, उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही कमल है। कल उनका एक और बयान आया है कि ही सरप्राइज कि कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कास्ट सेंसस की, कहते सबके आधार कार्ड अवेलेबल है, 1 मिनट में पता चल जाएगा कितने ओबीसी हैं। क्यों इस तरह की बात हो रही है? क्या इस तरह की एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ना करने की वजह से आपका जो नेशनल लेवल पे अलायंस डेवलप हो रहा था उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए कभी कभी स्थानीय चुनाव में आपकी उम्मीदवारों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पाती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा की सहमति नहीं बन पाई क्योंकि वो जितनी सीट चाहते थे वो कांग्रेस नहीं अकोमोडेट कर पाई। पर हम बड़े भाई यहां पर हैं तो मैं हमारा कसूर मानता हूं, हमें और शायद दोबारा उनसे बैठकर समझाना चाहिए था और शायद उतना नहीं समझा पाए, कमलनाथ जी और मैं दोनों मिलकर, तो मैं ही कसूरवार हूं जी। पर हम देश के लिए एक कॉमन विजन पर इकट्ठे हैं, बेरोजगारी पर हमें मोदी सरकार से लड़ना है क्योंकि इस देश के नौजवानों की जिंदगी पार्टियों से बड़ी है, महंगाई जिसने हर घर का बजट बिगाड़ दिया वो भाजपा निर्मित महंगाई है, उसको लड़ने के लिए हम विचारधारा से इकट्ठे हैं, नफरत के माहौल के खिलाफ लड़ने के लिए और प्रेम की खेती को आगे बढ़ाने के लिए हम इकट्ठे हैं, आर्थिक असमानता जिस देश में आप बताइए 65% वेल्थ दौलत जी, केवल 4% लोगों के पास हो वो देश चलेगा कैसे? इसलिए वो सपा हो वो दूसरे दल हो, हम सैद्धांतिक तौर पर इस देश के मुद्दों को लेकर इकट्ठे हैं, कहीं छोटा मोटा मन मुटाव हुआ है तो हम उसे दूर कर लेंगे। मैं फाइनल क्वेश्चन करने से पहले सर एक अभी जो तात्कालिक चीज चल रही है मध्य प्रदेश में उस पर आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके बेटे के कुछ वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं और आज जो वीडियो आया है तो वो सबसे खतरनाक मतलब प्रतीत होता है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी का उस पर स्टैंड होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपको क्या लगता है कि जितना एग्रेसिव होना चाहिए उस मुद्दे को लेकर उतनी है या नहीं? हर रोज राहुल जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई जनसभा शायद ऐसी नहीं पूरे प्रदेश में जी। सवाल ये है कौन उठा रहा है या नहीं, ये नहीं। आज मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे सरेआम एक वीडियो जिसकी तस्दीक अभी होनी है जी। उसकी वेरेसिटी अभी वेरीफाई होनी है, पर वो कह रहे हैं 100 करोड़ यहां दे दो, 5 करोड़ यहां दे दो, 500 करोड़ उस माइनिंग को दे दो, 10,000 करोड़ की बात आ गई। और आज जो है वो तो और गंभीर इसलिए है कि पैसा विदेश से लॉन्डर किया जा रहा है जी। मोदी जी चुप क्यों हैं? शिवराज सिंह चौहान चुप क्यों हैं? अमित शाह जी चुप क्यों हैं? ये लोग वो हैं जिन्हें अमित शाह जी प्रोजेक्ट करते हैं और अपने साथ रखते हैं, मोदी जी अपने साथ रखते हैं। क्या किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे के बारे में ये इल्जामात आए
तो नेचुरली बीजेपी की केंद्रीय सरकार तो जांच कर नहीं सकती और मध्य प्रदेश की पुलिस तो बिल्कुल नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की जांच बिठाइए, वो सबको बुलाए, और अब तो आज तो वो व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरा पता है, ये मेरा फोन नंबर है, कोई एजेंसी आए पूछ, एड्रेस दे रहा है, एड्रेस भी दे रहा है, तो क्यों नहीं जांच हो रही? भाजपा का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है क्या? भाजपा के लोग अगर पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? भाजपा के लोग अगर उन पर इल्जाम है कि वो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या कोई इंटरनेशनल क्राइम कर रहे हैं तो उन पर ईडी इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? भाजपा क्या भ्रष्टाचार को साफ करने की वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर निर्मा है, जैसा उन्होंने अपना सॉन्ग भी बनाया था? तो इसलिए इस भ्रष्टाचार की धुलाई केवल जवाबदेही से आएगी और उस जवाबदेही के जुम्मेवार मोदी जी, शिवराज जी, नरेंद्र तोमर जी सब हैं। पता नहीं कि ये जवाबदेही कब आएगी सर, लेकिन मेरा फाइनल सवाल आपसे, 2018 में भी आप मध्य प्रदेश में चुनाव जीते थे, अब फैक्ट यही है, मतलब आप जो मर्जी जिस पे आरोप लगाइए, फैक्ट यही है कि कांग्रेस के लोग ही उस तरफ गए थे, आप सरकार चला नहीं पाए, आपस में लड़ गए। अब क्या गारंटी है कि आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, दोबारा कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो मजबूती से एकजुट होकर के सरकार चलाई जाएगी? आपने 24 कैरेट गोल्ड, आजकल दिवाली का सीजन था, सुना होगा, तो जो मिलावटी था वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिन्हें पैसे में अपना ईमान बेचना था, जिन्हें पैसे में अपनी मां यानी पार्टी को बेचना था, जिन्हें पैसे में अपने मतदाताओं को बेचना था, जिनके लिए तरक्की या मतदाताओं की भलाई नहीं केवल रुपया रुपये की खनक जरूरी थी, वो सब भाजपा की मंडी में बिक गए, खालिस सोना हमारे पास बचा। खैर ये देखना होगा, ये 3 तारीख के बाद पता चलेगा कि क्या 24 कैरेट सोना ही कांग्रेस पार्टी के पास बचा है या अभी भी कुछ मिलावटी फिर से अभी भी बचे हैं कांग्रेस पार्टी में। सर आप हमारे इस शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।